नमस्कार, मेरा नाम है मयंक राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द ब्लंट। 20वीं सदी के महान फिल्मकार सत्यजीत रे की आज जयंती है, 2 मई। पूरी दुनिया में उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई। सिनेमा में उल्लेख्य योगदान के लिए सत्यजीत रे को भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के और ऑस्कर जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। आम से दिखने वाले सत्यजीत रे सा नज़रिया मुश्किल ही मिलता है कहीं। सत्यजीत रे भारतीय सिनेमा का एक ऐसा नाम है जिसके काम को पूरी दुनिया ने सराहा है। तो आइए जानते हैं इस महान हस्ती के बारे में। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में हुआ। वह भारतीय फिल्म निर्देशक थे जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। इनका जन्म कला और साहित्य के जगत में जाने माने कोलकाता के एक बंगाली अहिर परिवार में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज और विश्व भारती विश्वविद्यालय में हुई। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत पेशेवर चित्रकार की तरह की। इन्होंने सुप्रसिद्ध किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू की किताब, उसका पृष्ठ भी बनाया। फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जियां रेनोआ से मिलने पर और लंदन में इटालियन फिल्म लाजरी दी बिसेसलिट देखने के बाद फिल्म निर्देशन की ओर इनका रुझान हुआ। रे ने अपने जीवन में तकरीबन 35 से तो ज़्यादा ही फिल्मों का निर्देशन किया। उसमें कई फीचर फिल्में, वृत्तचित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। वह ना सिर्फ एक उम्दा लेखक पर एक अनोखे अलहदा फिल्मकार भी थे। अपनी पहली फिल्म पाथेर पंचाली जो 1955 में आई, उसके लिए उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। पाथेर पंचाली के लिए पत्नी के जेवर गिरवी रखने पड़े, सरकार से लोन भी लिया, तमाम संघर्ष सहे, मगर इस फिल्म की सफलता ने उनके कई कष्ट दूर कर दिए। इस फिल्म की सफलता ने उनके लिए फिल्मी जगत के कई दरवाजे खोल दिए और उन्होंने जिम कॉर्बेट की मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं का भी मुखपृष्ठ बनाया उस किताब का। पाथेर पंचाली के बाद अपूर संसार, अपराजितो तो जैसी कई फिल्में बनाई। उन्होंने बेहद सादगी से ग्रामीण जीवन दिखाया, वहीं शतरंज के खिलाड़ी जैसी फिल्मों से अलग ही संदेश दिया। सिनेमा की खासियत यह है कि वो इंसानी दिमाग के सबसे बारीक संवाद को भी पर्दे पर उतार सकता है। ये हम नहीं, ये सत्यजीत रे कहा करते थे। और सच है कि उन्होंने इस बात को सिद्ध कर दिखाया, मानवता को, छोटे से छोटे भाव को अपने हृदय से निकाल करके, शब्दों में पिरो करके, भावों में लगा करके, किरदारों में लगा करके पर्दे पर ला दिया। कई राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक उनकी सराहना किया करते थे और कहीं ना कहीं ईर्ष्या भी किया करते थे। एलियो खजान जैसे काफ़ी बड़े फिल्म निर्देशक जिन्होंने कई क्लासिक्स बनाई, जैसे कि ऑन द वाटर फ्रंट एंड अ स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर, उन्होंने रे के बारे में कहा कि इन रे आई हैव नोटिस्ड अ कंप्लीट फिल्म मेकर, ही हैज़ मास्टर्ड द आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग एंड स्कोरिंग म्यूजिक, विच वेरी फ्यू इन द वर्ल्ड कैन इक्वल। इफ ही वर इन हॉलीवुड, ही वुड हैव प्रूव्ड अ टफ चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। द सिंप्लिसिटी ऑफ पाथेर पंचाली, द पॉइग्नेंसी ऑफ देवी एंड द एस्थेटिक्स ऑफ चारुलता हॉन्ट मी एज वेल एज मैनी अदर फिल्म मेकर्स ऑफ द वेस्ट। इस प्रकार का अनोखा हुनर और व्यक्तित्व था रे का। यहाँ तक कि क्रिस्टोफर नोलान जैसे बड़े डायरेक्टर जिन्होंने द डार्क नाइट राइजेज, इंसोमनिया, इंसेप्शन, इंटरस्टेलर जैसी बड़ी फिल्मों का निर्देशन किया है। इंटरस्टेलर में तो वो इरफान खान को भी लेना चाह रहे थे, पर इरफान खान को कई कारणों की वजह से क्रिस्टोफर नोलान को मना करना पड़ा। खैर, वो दूसरी बात है। तो क्रिस्टोफर नोलान भी सत्यजीत रे के बारे में कहते हैं कि आई हैव हैड द प्लेजर ऑफ वॉचिंग मिस्टर रेज पाथेर पंचाली रिसेंटली, विच आई हैडन सीन बिफोर। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिल्म एवर मेड। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस ऑफ वर्क।
आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर अबाउट इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई केम। ऐसा ही व्यक्तित्व था सत्यजीत रे का। एक बार उनका काम देख लेते तो आश्चर्यचकित होकर के बस मंत्रमुग्ध होकर देखते ही रह जाते। पाथेर पंचाली के लिए तो कई बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने यह भी लिखा था कि इट विल बी एन एब्सर्ड टू कंपेयर इट विथ एनी अदर फिल्म, दिस इज़ अ प्योर सिनेमा। सत्यजीत रे के काम के आगे सारे सम्मान भी छोटे पड़ गए। भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के के अलावा पद्म विभूषण और 1992 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का ऑस्कर अवार्ड भी मिला। वह खुद उस अवार्ड को लेने वहाँ जा ना सके। वो एक क्लिनिक में, एक अस्पताल में भर्ती थे अपनी उम्र के कारण। काफ़ी नासाज थी उनकी तबीयत। चार्ली चैपलिन के बाद सत्यजीत रे फिल्मी दुनिया के दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। सत्यजीत रे ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष सहे। उनके पिताजी का देहांत हो गया था जब वो तकरीबन 3 साल के थे। अपनी पहली फिल्म के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते उनके कई वर्ष निकल गए। आखिर में लोन लेना पड़ा, पत्नी के गहने गिरवी रखने पड़े। 1943 में 80 रुपये मासिक की तनख्वाह पर एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर नौकरी करने लगे। वहीं पर उन्होंने कई सारे काम सीखे, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जो उनके आगे बेहद काम आया। हम चाहेंगे कि आप भी सत्यजीत रे के निर्देशन की हुई इन फिल्मों पर एक नज़र डालें, उन्हें देखें। पाथेर पंचाली, अपराजितो, देवी, तीन कन्या, इन सभी फिल्मों को आप देखें। सत्यजीत रे ने बेहद सादगी से सत्यता को दर्शाया है। वे यह भी कहा करते थे कि जब मैं ओरिजिनल स्टोरी लिखता हूँ तो मैं उन लोगों के बारे में लिखता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ, जिन्हें खुद पहचानता हूँ। मैं 19वीं शताब्दी की कहानियाँ नहीं लिखता। अप्रैल का महीना ना केवल अब खराब है और ना केवल अब दुखद भरे समाचार दे रहा है। 70 साल की उम्र में 23 अप्रैल 1992 को दुनिया से रुखसत हुए सत्यजीत रे के साथ फिल्मी दुनिया के एक युग का अंत हो गया। ये कथा थी एक महान व्यक्ति की, एक महान फिल्मकार सत्यजीत रे। हम और ऐसी कहानियों के साथ, कथाओं के साथ में आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। देखते रहिए द ब्लंटेड.com, एज ब्लंट एज इट गेट्स।